नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे प्राणी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे लेकर भारत में पहली बार संरक्षण रिजर्व की स्थापना की जाने वाली है। बेहद ही दिलचस्प प्राणी जिसका नाम है डुगोंग। जी हाँ, जिसे शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा ना ही सुना होगा। डुगोंग, जिसे समुद्री गाय भी कहा जाता है, यह स्तनधारी प्राणी है जो खारे पानी में पाया जाता है अर्थात समुद्रों में पाया जाता है। यह प्राणी लुप्त होने की कगार पर है। डुगोंग का हजारों वर्षों से तेल तथा मांस के लिए शिकार किया जा रहा है। इसे सबसे ज़्यादा खतरा समुद्री जहाज़ों तथा नावों से होता है। इसकी चाल धीमी होने के कारण जहाज़ों तथा नावों की चपेट में आ जाते हैं, जिससे ये बुरी तरह से घायल हो जाते हैं या फिर अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। इसी को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसकी संरक्षण के लिए तमिलनाडु तट पर पहली बार रिजर्व की स्थापना की जाएगी। यह संरक्षण रिजर्व मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। डुगोंग के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि यह अपने वजन से लगभग 10 से 15 गुना भोजन खाते हैं। जी हाँ, 10 से 15 गुना भोजन। और भोजन के रूप में खाते क्या है? भोजन के रूप में समुद्री घासों तथा मैग्रो पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। यह एक लंबी आयु की प्राणी है, लगभग 70 वर्षों तक जीवित रह सकता है। उम्मीद है यह जानकारी आपको बेहद ही रोचक लगा होगा। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।